गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हमने चैप्टर 6 में फूड डाइट थिंग्स फूड फर्स्ट वो पढ़ा। अब इसका फिलिंग लाइंस जिसको मैं आपको करा रही हूं। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे कि इसके फिलिंग लाइंस के फर्स्ट में पर्सेस टेन पर्स डैश है। इसमें क्या बनेंगे? ग्रो। क्या बनेंगे बच्चों? ग्रो बनेंगे। आप टू में ब्रेड एंड जैम गिव अस, ब्रेड और जैम हमको क्या देता है? वो हमें एनर्जी देता है। आप हमें एनर्जी भरेंगे। और थ्री में वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ एवरी डे। क्या पीना है हमको? वाटर। यहाँ वाटर भरेंगे। और फोर में वी शुड ऑलवेज ईट डैश एंड क्लीन फूड। तो हमने भरा था कि हमें फ्रेश और क्लीन फूड खाना चाहिए। ओके बच्चों, अब इसके बाद प्रूफ और फॉल्स है, इसको हमको पढ़ना है। आप देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू ईट फूड एट द प्रॉपर टाइम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इट इज नॉट नेसेसरी, नहीं है जरूरी प्रॉपर टाइम पर खाना। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्योंकि अगर इसमें रहता इट इज नेसेसरी टू ईट फूड एट द प्रॉपर टाइम तो हम इसको प्रूव करते, लेकिन यहाँ नॉट लिखा गया इसलिए फॉल्स हो गया। अब टू में वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ये टू लिखिए, वी नीड नॉट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स। तो ये फॉल्स हो गया। फोर में वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर डिनर। टू और फाइव में वी मस्ट जो आवर फूड वेल, हमें अपने भोजन को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। तो ये मेरा प्रूव हो गया। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ओके बच्चों, आप ध्यान देंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फूड इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज। क्वेश्चन है आपका कि व्हाई इज फूड इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? आप देखिए इसका आंसर, बिकॉज बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन जो है हमको एनर्जी देता है जिससे हम वर्क और प्ले करते हैं। ओके बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, राइट थ्री हेल्दी 18 हैबिट्स, खाने की तीन अच्छी आदतें। तो आप तीन का है, थ्री का है, तो आप लिखिए वी मस्ट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। इसका निकल रहा है कि हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। ओके बच्चों, अब इसके बाद वी मस्ट वी
और तीसरा वी मस्ट, वी मस्ट ईट मील्स एट प्रॉपर टाइम। हाँ ये हमारी बहुत सारी बातें हैं हेल्दी ईटिंग फूड के लिए। लेकिन आपका क्वेश्चन है थ्री हेल्दी ईटिंग हैबिट के बारे में लिखना है, तो मैंने तीनों लिख दिया है। वी मस्ट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वी मस्ट ईट मील्स एट प्रॉपर टाइम। ओके बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है। हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प अस। ओके बच्चों, तो आप लिखेंगे फूड सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रॉपर अस फ्रॉम डिजीज। हाँ बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। आपने देखा बच्चों कि यह क्वेश्चन जैसा आज कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री में पीछे देखिए, हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्प अस, वह हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से है कैसे हमारी मदद करती है। फूड सच दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये भोजन जो है हमको सुरक्षा रखता है डिजीज से यानी कि बीमारियों से सुरक्षित रखता है। ओके बच्चों, ओके बाय।